एशियाई महाद्वीप धरती के 30% हिस्से में फैला हुआ है, जिसकी आबादी 400 करोड़ से भी ज़्यादा है। रिसेंट स्टडीज की माने तो एशिया में अरबपतियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और फिलहाल एशिया में 600 से भी ज़्यादा अरबपति मौजूद हैं। और आज हम इसीलिए एशिया के 5 सबसे अमीर व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे। हाय, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं जीव। नंबर 5 पे हैं चाइना के मा ह्यूटैंग। चाइनीज इंटरनेट एंटरप्रेन्योर मा ह्यूटैंग का जन्म 29 अक्टूबर सन 1971 में हुआ। ह्यूटैंग को बचपन से ही एस्ट्रोनॉमी में दिलचस्पी थी, पर अपने पिता के कहने पर उन्होंने शेंचेन यूनिवर्सिटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। ग्रेजुएशन के बाद मा ह्यूटैंग ने कुछ साल चाइना मोशन टेलीकॉम नाम की कंपनी में काम किया, जिसके बाद उन्होंने अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर 1998 में टेंसेंट नाम की कंपनी की शुरुआत की। टेंसेंट होल्डिंग लिमिटेड नाम की ये कंपनी इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस कंट्रोल करती है और जो फिलहाल चाइना की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनियों में से एक है। हम में से बहुत लोगों ने टेंसेंट कंपनी के पॉपुलर एप्लीकेशन वीचैट को यूज़ करा होगा। इसकी पूरी दुनिया में 864 मिलियन से भी ज़्यादा एक्टिव यूज़र मौजूद हैं। मा ह्यूटैंग फिलहाल दुनिया के 32वें और एशिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जिनकी कुल संपत्ति $24.9 बिलियन है। इस लिस्ट में नंबर 4 पे हैं मुकेश अंबानी। इंडियन बिजनेसमैन मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल सन 1997 में हुआ। मुकेश अंबानी हिंदुस्तान की दूसरी मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद मुकेश अंबानी अपने पिता के साथ उनका बिजनेस संभालने में लग गए और देखते ही देखते कुछ साल बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज $1 बिलियन की कंपनी बन गई। 1970s में 2 बेडरूम वाले अपार्टमेंट में रहने वाले मुकेश अंबानी की फैमिली आज दुनिया के सबसे महंगे घरों में से एक एंटेलिया बिल्डिंग के मालिक हैं, जिसकी कीमत करीब $1 बिलियन है। मुकेश अंबानी दुनिया के 24वें और एशिया के 4थे सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जिनकी कुल संपत्ति $27.4 बिलियन की है। तीसरे नंबर पर हैं जैक मा। चाइनीज बिजनेसमैन जैक मा अलीबाबा ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन हैं। 1988 में जैक ने हैंगझोउ यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 10 बार और जॉब के लिए 30 कंपनियों से रिजेक्ट होने के बाद जैक मा ने इंटरनेट के बारे में सुना। जैक सन 1995 में अपने दोस्तों के साथ US गए, जहां उन्होंने चाइना येलो पेज नाम की वेबसाइट शुरू करी। देखते ही देखते उस वेबसाइट ने 3 साल में $8 लाख का बिजनेस किया। 1999 में जैक ने फिर से अपने दोस्तों के साथ अलीबाबा नाम की कंपनी की शुरुआत की। जैक मा फिलहाल दुनिया के 22वें और एशिया के 3रे सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जिनकी कुल संपत्ति $28.7 बिलियन है। दूसरे नंबर पर हैं ली का शिंग। ली का शिंग हांगकांग के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक हैं। 15 साल की उम्र में अपने पिता को खो देने के बाद ली को अपने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और प्लास्टिक ट्रेडिंग नाम की कंपनी में काम करना पड़ा, जिससे उनका घर चल सके। कुछ साल वहाँ काम करने के बाद ली ने अपनी खुद की कंपनी शेंगकांग इंडस्ट्री शुरू की। ली ने उस इंडस्ट्री को प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग से लीडिंग रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी में तब्दील कर दिया। ली का शिंग फिलहाल दुनिया के 20वें और एशिया के 2रे सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जिनकी कुल संपत्ति $31 बिलियन है। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति जो कि पहले नंबर पर हैं, वैंग जियानलिन। चाइनीज बिजनेसमैन वैंग जियानलिन का जन्म 24 अक्टूबर 1954 में हुआ। 15 साल की उम्र में वैंग ने आर्मी ज्वाइन कर ली और करीब 17 साल तक आर्मी में रहे। वैंग जियानलिन डालियन वांडा ग्रुप के चेयरमैन हैं, जो कि चाइना की लार्जेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर और दुनिया की सबसे बड़ी मूवी थिएटर चेन की ऑपरेटर है। वैंग जियानलिन के पास 134 शॉपिंग मॉल, 82 5-स्टार होटल्स और 99 डिपार्टमेंट स्टोर्स हैं। वैंग जियानलिन फिलहाल दुनिया के 18वें और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जो $31.4 बिलियन के मालिक हैं।